हर्ट्स फियर है किसमें? जी बोले, एन आर्स केयर में सर। आर स्क्वायर विद द नॉर्म। नॉर्म क्या आपके पास? टू सर। टू नॉर्म, शाबाश। ये फोर नॉर्म, ये इंफिनिटी नॉर्म। तो ज्योमेटिकली वो क्या होगा? देखिए, जब भी आप स्फीयर की बात करते हैं तो आपके माइंड में ये वाला डायग्राम आ रही होती, क्यों? आप यूक्लिडियन स्पेस की बात कर रहे हो, तो ये देखें, ये किसको क्रॉसपॉन्ड कर रहा है? ये सर्कल को, जी ठीक है? लेकिन अगर वन वाला नॉर्म है ना, पी इज इक्वल टू वन, तो इस तरह का स्फीयर बन रहा होगा, ये डायमंड वाला, ठीक है? जी अगर फोर है तो ये थोड़ा सा सर्कल को थोड़ा सा ऊपर को वो किया हुआ है, ठीक है? और इन्फिनिटी पे इस तरह से, तो यस हमने ये देखा है कि जो वन वाला नॉर्म का होगा वो सबसे अंदर क्लोज हो रहा है, उसके ऊपर दूसरे आ रहे होंगे, इस तरह से। नॉट माय पॉइंट, जी क्लियर और बच्चों? जो इन्फिनिटी होगा वो सेम सेम लाइक वो स्क्वायर होगा, जो स्क्वायर होगा, ये देखिए, ये राइट बॉक्स है, ठीक है? सर। ठीक है, अरे ये ये कैसे किसमें? पता चला है, मतलब हाँ, ये आपका अच्छा पॉइंट है, ये हमें कैसे पता चला? जी ये डेफिनेशन जो है ना, ये वाली जो डेफिनेशन, ये वाली डेफिनेशन, इसको आर स्क्वायर जी में जी आप इसके साथ अप्लाई करके सॉल्व करेंगे। मैं आपको एक के लिए सॉल्व करके बताता हूँ, फिर आपको बाकी का समझ आ जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है ओके आपका। हम कैसे कहेंगे भी ये इसके बराबर है, यही है ना? जी सर आप मुझे ये बताएं कि अगर मैं लूं कि नॉर्म ऑफ एक्स टू इज इक्वल टू वन, और एक्स अगर मेरे ओके पास बराबर है एक्स वन और एक्स टू, तो ये जो एक्स टू टू नॉर्म है, के प्लस एक्स टू स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट, दैट्स इक्वल टू वन, और इसको मैं अगर सॉल्व करूं तो एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर इज इक्वल टू वन, वो स्क्वायर जी इम्पोज़ है। अब ये किस चीज की इक्वेशन है? सर्कल की इक्वेशन थैंक है ना ये तो। यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो इसको ड्रा कर दो बस, ओके ठीक है ठीक हो गया। यस अगर मैं इसकी बात करूं तो इस केस में आपके पास होगा एक्स वन प्लस एक्स टू दैट्स इक्वल टू वन, तो ये सर जी डायमंड की, इस डायमंड की क्वेश्चन है, ओके ठीक हो गया। ठीक है तो सर इसी, अगर मैं इन्फिनिटी वाले केस में देखूं तो उस केस में भी इसी तरह से आपके पास पिक्चर्स बननी शुरू हो जाएंगी। ठीक तो इसका पर्पस क्या है, ये जो मैं सारी चीज आपको बता रहा हूँ, मैं आपको फीलिंग देना चाह रहा हूं कि ज्योमेट्रिकली आपके पास स्फीयर क्या होता है, आपकी फीलिंग हो, कि आपके पास नॉर्म चेंज हो रहे हैं तो आपके पास उसकी ज्योमेट्री चेंज हो रही होगी। क्लियर? यस सर जी बिल्कुल मैं इसको भी सेव कर लूं, मैं बहुत वो सेव करी जा रहा हूँ, वो बड़ा सेट बनी जा रहा है। ओके, नो प्रॉब्लम जी। कन्वेक्स सेट की डेफिनेशन आपको पता ही है, ये मैं इस पे नहीं, ना ही हमें इसको एक्सरसाइज के ये क्वेश्चन उसमें करना। ये जो यूनिट बॉल है, यूनिट क्लोज यूनिट बॉल, तो बॉल की डेफिनेशन भी आप उसी तरह से, जिस तरह से आपको पहले मैंने बताई है उसके सफियर की, तो बॉल क्लोज्ड बॉल में लेसर इक्वल और बॉल में सिर्फ लेस लेस देन आ रही है। जी क्लियर? यस अब अगर मैं बॉल की बात करूं और स्फीयर की बात करूं, तो इसमें डिफरेंस आप लोगों को पता है ना क्या है? सर बॉल और सफियर में ना ओके सफियर में हम बाउंड्री को इंक्लूड करते हैं ये स्फीयर है, ठीक है, जी और ये बॉल है, बॉल है ठीक हो गया? ये क्लोज्ड जी बॉल है, इनफैक्ट मैं इसकी बाउंड्री को भी शामिल कर रहा हूँ, ये क्लोज, अगर ओके बाउंड्री को ना शामिल करूँ तो ये ओपन बॉल है। क्लियर? स्फीयर में बाउंड्री नहीं इंक्लूडेड स्फीयर में सिर्फ बाउंड्री होती है, स्फीयर में सिर्फ बाउंड्री होती है, सिर्फ बाउंड्री होती है जी और क्लोज्ड बॉल में बाउंड्री भी शामिल होती है, ओपन बॉल में बाउंड्री बाउंड्री के बगैर। ये हम बातें पहले भी हम कर चुके हैं वैसे, जब हम मीटर स्पेस में देख रहे थे। ओके, ये कन्वेक्स सेट की बात है। कन्वेक्स सेट क्या होता है? जिसमें हमारे पास कोई भी लाइन ड्रा करें, वो उसी के अंदर कंटेन, किसी भी टू पॉइंट को ज्वाइन करें तो